नमस्कार, पवन शर्मा के साथ खबर एक्सपर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। मध्य प्रदेश के सागर में पीएचई विभाग ने जल नल योजना के अंतर्गत 24 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन सरेडी गांव के लोगों को फिर भी पानी नहीं मिल पाया। देखिए यह रिपोर्ट। उसमें से नहीं मिल रहा, आज तक पानी नहीं आया उसमें। आप जब से डाली है तब से पानी नहीं आया इसमें। तो जी कब डाली गई? इसको एक साल से, एक साल के करीब हो गया। ये किसके द्वारा डाली गई? ये किसकी, कोई ठेका लाए हैं, ये जानकारी नहीं है कौन है, लेकिन ठेका लाए हैं तो वो डाल। कितने की थी जी पाइपलाइन स्वीकृति? 15 लाख की थी, 15-16 के लगभग। तो अभी ग्रामवासी कहाँ से पानी पी रहे हैं? वहाँ से लाते हैं, एक टेम्परेटरी है तो वहाँ से भरते हैं, चलाते हैं इधर उधर से काम। और सरपंच ने क्या प्रयास किए पानी से? सरपंच बोलते हैं तो वो बोलते हैं हो जाएगा। महीना खाना में आ जाए तो कर दे। तो फिर क्या समस्या आ रही, क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है गाँव वालों को? नहीं हो रही आप लोग ने क्या प्रयास किए? प्रयास करा कि कल आएंगे, परसों आएंगे, तो देख लेंगे। ये कौन कहता है? ठेकेदार के और जो कुछ चला था सब इंजीनियर से जानकारी मिली है कि 3 साल पहले इसमें काम हुआ था नल योजना का, जिसमें पाइपलाइन बिछाई गई और पंप डाला गया, लेकिन उसमें एस्टीमेट में बिजली काम का प्रावधान नहीं था ट्रांसफार्मर लगाने का, इस वजह से वो बिजली काम बस नहीं हो पाया, बाकी काम पूरे हो गए हैं। इसका टेंडर योजना स्वीकृत है, टेंडर इसका लगाया जाना है बिजली काम का, तो वो जैसे टेंडर स्वीकृत हो जाएगा तो उसमें डीपी लगा दी जाएगी और योजना चालू हो जाएगी। पर 3 साल होने को आ रहे हैं अभी तक योजना कार्यान्वयन नहीं चालू हो पाई, इसमें दोषी किसका मानेंगे? अब दोषी तो इसमें ऐसा ये है कि जितनी भी स्वीकृत थी लागत और जनभागीदारी से, क्योंकि ये काम हुआ 10% राशि से, तो उसमें फिर जितना भी काम हो सकता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट बन जाती है कि हम इतना ही लाख का योजना बना सकते हैं, उतना ही काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें बिजली काम अलग से शामिल नहीं हो पाया। तो मतलब इसमें ये कहना चाहिए कि बाउंड थे स्कीम बनाने में, अगर फ्री हैंड होते तो उसमें ट्रांसफार्मर भी शामिल कर लेते, बोर 2 हो जाते, पाइपलाइन अगर बढ़ जाती, मतलब सब हो सकता था, लेकिन चूंकि पूरा गांव भी कवर करना था और कोई छूट ना जाए, इसलिए इसमें बिजली का काम पूरा शामिल हो नहीं पाया। कितनी लागत की होगी योजना? समथिंग 24 लाख के कुछ अंडर की है। अब ये कब तक चालू हो जाएगी संभवतः? इसका टेंडर यहाँ से बना दिया है, जैसे टेंडर इसका जारी हो जाएगा और फिर नियुक्ति कार्यादेश जारी हो जाएगा तो उसके बाद काम पूरा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।